आइए सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। आइए अब सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। आर यू रेडी फॉर द वर्ड? क्या आप तैयार हैं खुदा के कलाम के लिए? हाउ मेनी पीपल हैव अ सेल फोन? कितने जिनके पास सेल फोन है? सो डू वन थिंग, आइए एक चीज कीजिए, पुट योर सेल फोन इन योर पॉकेट, अपने मोबाइल को अपनी जेब में डाल ले। आर यू रेडी? तैयार है जी? आई डोंट वॉन्ट द कॉल विल डिस्टर्ब यू। मैं नहीं चाहता कि आपके दोस्त आपको कॉल करे और आपको तंग करे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? माई टॉपिक टू नाइट, आज मेरा मजमून ये है, लुक जीसस, के यीशु को देखो। लुक Jesus. यीशु को देखो। Or put your eyes on Jesus. या यीशु पर ध्यान लगाओ। I was hearing the story of one woman. मैं एक औरत की कहानी सुन रहा था। And that woman said. और उस औरत ने कहा। She was telling me the story. वो मुझे कहानी बता रही थी। She said, Pastor John. उसने कहा, Pastor John. My child was dead. मेरा बच्चा मरा हुआ था। I take my child to the hospital. मैंने अपने बच्चे को अस्पताल में लिया। His heart was not beating. उसका दिल भी काम नहीं कर रहा था। His body was not circulating. उसका बदन भी नहीं हिल रहा था। He's not moving. वो हिल भी नहीं रहा था। And my tears was coming out. मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। Doctor put him on the ventilator. और डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया। And doctor said to my child. और डॉक्टर ने मुझसे कह दिया बच्चे के कि ये नहीं बचेगा। He is dead. ये मरा हुआ है। He said to me, woman. और उस औरत ने कहा मुझसे। They said to me, woman. उसने कहा, ए औरत। Why you are crying? तू क्यों रोती है? Your child is dead. तेरा बच्चा तो मर गया है। He's no more. अब ये और नहीं जिंदा। And that woman said to brother. और उस औरत ने उस भाई से कहा। She said, doctor. उसने कहा, डॉक्टर साहब। You are just a doctor. तू तो सिर्फ डॉक्टर है। But my eyes is on Jesus. लेकिन मेरी आंखें जिस पर लगी है वो यीशु है। His child was on the ventilator. उसका बच्चा वेंटिलेटर पर था। His child was not breathing. उसका बच्चा सांस नहीं ले रहा था। She went to the ventilator. वो वेंटिलेटर के पास गई। She came on the knees. वो घुटनों के बल हो गई। And she said to Jesus. और उसने आंखें घुटनों की तरफ लगाई। She said, Jesus. और उसने कहा, यीशु। I'm not looking to the doctor. मैं डॉक्टर की तरफ नहीं देख रही। I'm not looking to the man. मैं आदमियों की तरफ नहीं देख रही। My eyes are on you. मेरी आंखें तो तुझ पर हैं। I'm looking to you. मैं तेरी तरफ देख रही हूँ। Because you are the only healer. क्योंकि तू ही एक है जो शफी है। Doctor said to me, your child is dead. डॉक्टर ने कहा, तेरा बच्चा मर गया। But my child is sleeping. लेकिन मेरा बच्चा मरा नहीं, वो सो रहा है। He said, God. उसने कहा, खुदा। Breathe in my child. मेरे बच्चे में दम भर दे। Breathe in my child. मेरे बच्चे में दम भर दे। And when she said that word. जब उसने ऐसा कहा। His child start crying. और उसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। Hallelujah. Her eyes was on Jesus. उसके आंखें यीशु पर थी। Her eyes was on Jesus. उसके आंखें यीशु पर थी। She was not looking to the man. वो इंसानों की तरफ नहीं देखती। She was not looking to the doctor. उसने डॉक्टर की तरफ नहीं देखा। She was not looking to her husband. उसने अपने शौहर की तरफ नहीं देखा। She was not looking to the pastor. वो पास्टर की तरफ ना देखी। She was looking to Jesus. बल्कि वो सीधा यीशु की तरफ देख रही थी। Hallelujah. Hallelujah. Can you set this, my God is a God of miracle. क्योंकि मेरा खुदा मौजज़ात का खुदा है। Hallelujah. Hallelujah. Everything exists in the Jesus. सब कुछ खुदा में बसा हुआ है। The Bible says. बाइबल कहती है। Jesus is the King. के यीशु बादशाह है। Jesus is the Healer. यीशु शाफी है। Jesus is the Savior. वही नजात दहिंदा है। Jesus is the Protector. वही संभालने वाला है। Jesus is the Deliverer. वही रहाई देने वाला है। Jesus is the Comforter. वही सबर देने वाला है। Jesus is the Maker. वही बनाने वाला है। Jesus is the Life. वही जिंदगी है। Jesus is the Way. वही राह है। Jesus is the Truth. वही सच्चाई है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है। Jesus is the Rock. क्योंकि वही चट्टान है। The Bible says. बाइबल कहती है। Jesus is the Hiding Place. वही छुपने की जगह है। Jesus said. बाइबल कहती है। यीशु कहता है। I am the Shepherd. वो चरवाहा है। The Bible tells me. बाइबल मुझे बताती है। Jesus is
is the door to the heaven. के यीशु आसमान का दरवाजा है. Hallelujah. 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 यीशु के लिए. The Bible says. बाइबल कहती है. He is the best teacher. के वो अच्छा उस्ताद है. He is the beginner. वो आगाज है. The Bible says. बाइबल कहती है. He is the alpha. के वो ही अल्फा है. He is the omega. वो ही ओमेगा है. Let me tell you this. मैं आपको बताऊं. The Bible says. बाइबल कहती है. He is the beginning. वो ही शुरू है. And he is the end. और वो ही आखिर है. So everything exists in the Jesus. सब कुछ मसीह में बसा हुआ है. If your eyes on Jesus. शुरू भी यीशु से है. If your eyes on Jesus. अगर आपकी आंखें मसीह पर है. You will receive the healing. तो फिर आप शिफा लेंगे. If your eyes on Jesus. अगर आपकी आंखें यीशु पर है. You will receive the salvation. तो फिर निजात पाएंगे. If your eyes on Jesus. अगर आंखें मसीह पर है. You will fight your enemies. तो आप अपने दुश्मन से लड़ेंगे. If your eyes on Jesus. अगर आपकी आंखें यीशु पर है. The miracle is yours. तो मौजजा आपका है. Hallelujah. Hallelujah. Oh, it's look like you guys are tired. ऐसे लग रहा है आप थके हुए हैं. थके हुए आप. It's look like Rachel, they are tired. ऐसा लग रहा है आपकी तालियां बजाएंगी कि आप नहीं थके. जोरदार तालियां बजाइएगा. Let's go to Hebrew chapter number 12, verse number 2. आए इब्रानियों उसका बारहवां बाप और हम देखेंगे उसकी दूसरी आयत. खुदा के कलाम में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दहनी तरफ जा बैठा. हालेलुया. आमेन. द बाइबल सेज. बाइबल कहती है. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. खुदा के कलाम में लिखा है कि कामिल ईमान के बानी यीशु को तकते रहो. Bible is telling you. खुदा का कलाम ये कहता है. Look to Jesus. के यीशु को तकते रहो. If you are a believer. अगर आप ईमानदार हैं. If you are a son and the daughter. अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं. If you think God creates you. अगर आप सोचते हैं कि in the storms. और आप तूफान में हैं. Maybe the storm is hitting your family. शायद तूफान आपके खानदान को हला रहा है. Maybe the storm is killing your family. शायद खानदान जो तूफान है वो आपके खानदान को मारना चाह रहा है. Maybe the storm is touching your family. शायद तूफान जो है वो आपके खानदान को छू रहा है. Maybe devil is taking your life. शायद इब्लीस आपकी जिंदगी को ले रहा है. Maybe devil try to kill your children. शायद इब्लीस जो है वो आपके बच्चों को मारना चाहता है. I want to tell you tonight. मैं आपको बताना चाहता हूं. Just look into Jesus. सिर्फ यीशु को तकते रहे. Hallelujah. 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 Tell your neighbor. अपने साथ वाले को हलाए, उससे कहे हलाए जरा अपने साथ वाले को, जरा जोर दी. Tell your neighbor, look Jesus. उससे कहे यीशु को तकते रहे. आवाज नहीं आई. यीशु को तकते रहे. यीशु को तकते रहे. इधर वाले यीशु को तकते रहे. Hallelujah. Hallelujah. I was reading the Bible. मैं बाइबल पढ़ रहा था. The reason why I'm sharing this message. क्यों मैं ये पैगाम आपको सुना रहा हूं? The disciple of Jesus. जो यीशु के शागिर्द थे. They were on the boat. वो कश्ती में थे. And the Jesus walked on the water. तो यीशु जो था वो पानी पर चल कर आया. Because he is a creator. क्योंकि वो तखलीक करने वाला है. Jesus was not a normal person. यीशु कोई आम शख्स नहीं था. Or he was. या वो आम शख्स था. कैन यू वॉक ऑन वॉटर? क्या आप पानी पर चल सकते हैं? और वी वॉक ऑन वॉटर? हम पानी पर चले हैं. यस. दिस इज गुड आंसर. हालेलुया. हालेलुया. Jesus was walking on the water. Yes, so
पानी पर चला। His disciple was same like you. और उसके शागिर्द बिल्कुल आपकी तरह ही थे। When they saw Jesus, जब उन्होंने यीशु को देखा, Jesus was walking on the water. यीशु तो पानी पर चल रहा था। He is the king, the Bible says. वो बादशाह है, बाइबल कहती है। He is the beginning and the end, the Bible says. वो शुरू है, अव्वल है, आखर है। He is everything, the Bible says. वो सब कुछ है। So the water obeyed Jesus. और पानी ने भी उसके हुक्म को माना। Winds obey Jesus. और जो हवाएं हैं, लहरें हैं, वो भी उसके हुक्म को मानती। Isn't it? ऐसे ही है। Come on, stay with me. People at the back, I cannot hear you. जो पीछे वाले हैं, ऐसे ही है जी। So Jesus was walking on the water. तो यीशु जो था वो पानी पर चला। And one of the disciple of Jesus. और एक शागिर्द यीशु का। Who was he? कौन था वो? जानते हैं आप? क्या नाम था उसका? Peter saw Jesus. पत्रस ने यीशु को दूर से देखा। He said, "Jesus." उसने कहा, यीशु। Is it you or the ghost? ये क्या तू है या भूत है? Jesus said, "This is I am." यीशु ने कहा, ये मैं हूँ। Now Jesus is standing on the water. वो पानी पर खड़ा हुआ था। He is on the water. वो पानी पर था। And Peter was in the boat. और पत्रस जो था वो कश्ती में था। He said, "Jesus, if you allow me, can I come?" और पत्रस ने कहा, यीशु, अगर तू कहे तो मैं तेरे पास आऊँ। Jesus said, "Peter, come." यीशु ने कहा, पत्रस। So what Peter did? तो पत्रस ने क्या किया? He take his pant up. उसने अपनी धोती को ऊपर उठाया। And he said, "I'm walking on the water." और वो यीशु की तरफ तकता हुआ। पानी पर चलता रहा। He was looking Jesus. वो यीशु को देखता रहा। And he was walking on the water. और पानी पर चलता रहा। His eyes was on Jesus. The Bible says. उसकी आंखें यीशु पर थी। So his eyes was on Jesus. उसकी आंखें यीशु पर थी। He was keep walking on the water. वो पानी पर तक तक चलता रहा। No man in the history walk on the water. कोई शख्स और तारीख में नहीं जो पानी पर चला हो। No man walk on the water in the history of this world. तारीख में दुनिया में कोई और दूसरा शख्स नहीं। Peter was the one who walked on the water till he looked Jesus. जब तक वो यीशु को तकता रहा, पानी पर चलता रहा। But when he saw the water, लेकिन जब उसने अपनी आंखें यीशु से हटाई और पानी को देखा, What happened? तो क्या हुआ? Oh, I forget my message. तो क्या हुआ? I forget my message, Rachel. मुझे मेरा पैगाम ही भूल गया। What happened? आपने बताना है तो क्या हुआ? Oh, I cannot hear people at the back. जो पीछे वाले हैं, उनकी आवाज नहीं आई। तो फिर क्या हुआ? अभी भी समझ नहीं आ रही। तो क्या हुआ? He was on the water. वो पानी पर था। Till his eyes was on Jesus. जब तक उसकी आंखें मसीह पर थी। You will walk on your sickness. आप अपनी बीमारी पर चल सकते हैं। Until your eyes on Jesus. जब तक आपकी आंखें मसीह पर होंगी। You will defeat your enemies. आप अपने दुश्मन को हरा पाएंगे। Until your eyes on Jesus. जब तक आपकी आंखें मसीह पर होंगी। You will beat the devil. जब आप शैतान को मारेंगे। Until your eyes on Jesus. जब तक आपकी आंखें मसीह पर होंगी। But when you will saw your enemy. लेकिन जब आप अपने दुश्मन को देखेंगे। You will see the failure. और आप फिर हार को देखेंगे। You understand me what I'm saying? समझ आ रही है हम जो सादा पैगाम दे रहे हैं? Hello? इतने जे के सो गए जे? जोरदार तालियां बजाएं। पता चले कि जाग रहे हैं सारे। If you want to walk on your sickness, अगर आप अपनी बीमारी पर चलना चाहते हैं, put your eyes on Jesus. तो फिर अपनी आंखें यीशु पर लगाएं। If you want to walk on your difficulties, अगर आप अपनी मुश्किलात पर चलना चाहते हैं, put your eyes on Jesus. तो अपनी आंखें यीशु पर लगाएं। Hallelujah. Hallelujah. One family came to us. एक खानदान हमारे पास आया। Tell your neighbor. अपने साथ वाले की तरफ देखें, जरा अच्छा लग रहा है। Are you ready to sleep? उससे कहिए तू सोने वास्ते तैयार है? Should we close it? क्या हम बंद कर दें या और सुनना चाहते हैं? हम किसके खानदान का हिस्सा है?
यीशु के खानदान का खुदा का कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। हालेलुया। If you want, we will close it. Lift your hand on heaven. जो चाहते हैं कि अब हम बंद कर दें, आइए अपने हाथ को उठा ले। Only one person? सिर्फ एक। बस एनो ही समा दो। One family came to us. एक खानदान हमारे पास आया। Their two daughter was possessed with the demons. उनकी दो बेटियां थी और बदरुहों से जकड़ी हुई थी। From 14 and 17 years. 14 साल से 17 साल से। They went to the magicians. वो जादूगरों के पास गए। For their healing. अपनी शिफा लेने के लिए। They went to the doctors. वो डॉक्टर के पास गए। To receive their miracle. ताकि मौसा ले सके। But somebody told them to come in the prayer festival. लेकिन किसी ने बताया कि वहां पर prayer festival है, वहां पर जाना। And when they enter in the ground, जब वो ग्राउंड में आए, they was walking on the ground, वो ग्राउंड में चलने लगे, and their eyes was on Jesus, तो उनका ईमान, उनकी आंखें मसीह पर थी, because in every prayer festival, क्योंकि हर एक prayer festival में, the credit go to Jesus Christ, जो सारा इज्जत जलाल है, वो यीशु को जाता है, because every miracle that take place, क्योंकि जो भी मौजज़ा होता है, Jesus did that. वो यीशु करता है, उसके लिए तालियां बजाएं। So their eyes was on Jesus. तो उनकी आंखें भी मसीह पर थी। Their eyes was on Jesus. उनकी आंखें मसीह पर थी। And in the prayer festival. और prayer festival के अंदर। The Holy Spirit touched those two women. पाक रूह ने उन दो बहनों को छुआ। And they got healed. और वो आजाद हो गई। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। The reason why I'm telling you. क्यों मैं आपको बता रहा हूं? Until your eyes are on Jesus, जब तक आपकी आंखें मसीह पर रहेंगी, you will see the healing. आप शिफा को देखेंगे. When your eyes on us, जब आपकी आंखें हमारे ऊपर होंगी, फिर क्यों होएगा? फिर खाली जाओगे, खाली आओगे. I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूं. Maybe some pastor love this. शायद कुछ पादरियों को पसंद है ऐसा कि मेरी जय जयकार होनी चाहिए। I heal people. मैंने लोगों को शिफा दी। I pray. मैंने दुआ की। I cast out demons. मैंने बदरू को निकाला। But we don't have authority. लेकिन हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, उसके पास ताकत है। We saw the miracles from 12 years. हम 12 साल से मौजज़ात देखते आ रहे हैं। Not just in Pakistan, but all around the world. ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में हम जाते हैं। And every miracle that take place. और जो भी मौजज़ा होता है, Jesus did it. वो यीशु ही करता है। Hallelujah. उसके लिए तालियां होनी चाहिए।